हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट वन डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लगातार जारी रहेगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। दोस्तों, अगर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ए किसी कार्य को करने में 18 दिन लेता है तथा बी उसी कार्य को करने में ए से आधा समय लेता है। आधा समय यानी ये 18 लेता तो ये कितना लेगा दोस्तों? 9 दिन लेगा। तब एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों उसी कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है कि ए कितने दिन में करता है? 18 दिन में। और बी कितने दिन में करता है दोस्तों? 9 दिन में, यानी कि उससे आधा समय लेता है। तो इनका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए दोस्तों। देखो, जो एम है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और एफ है यानी कि फैक्टर। जो एचसीएफ होता है वो छोटा होता है, छोटी संख्या से के बराबर या छोटी संख्या से छोटा। और जो एलसीएम होता है दोस्तों वो बड़ी संख्या के बराबर या बड़ी संख्या से बड़ा होता है। अब देखिए, जैसे हम 18 को और 9 को रखते हैं, ठीक है, हम इनको उस संख्या से डिवाइड करेंगे जो प्राइम होगी, अभाज्य होगी, यानी कि जो खुद से कटती होगी या फिर एक से कटती होगी, यानी कि उसके दो ही फैक्टर होने चाहिए दोस्तों, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे दो रख सकते हैं यहाँ पे, तीन रख सकते हैं, पाँच रख सकते हैं और सात रख सकते हैं, ऐसी संख्या रखनी है जो अभाज्य हो। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम दो रखेंगे तो 18 तो कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। तीन रखेंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो तीन पे काटते हैं। देखो, 3 6 18 और 3 3 9, फिर 3 रख देते हैं दोस्तों, 3 2 6 और 3 1 3। तो देखिए, 3 3 9 और 9 2 18, यानी कि इनका एलसीएम आता है दोस्तों 18। अब आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं कि 18 एलसीएम है तो 9 पे ये पूरा पूरा कट रहा है और 18 खुद को तो काटते ही है। तो जो संख्या, अगर दो संख्या है ना और दूसरी संख्या पहली संख्या को काट देती है पूरा पूरा, तो वो जो बड़ी संख्या वही एलसीएम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर एचसीएफ निकालना तो कैसे निकालते हैं, देखिए, जैसे 3 से हमने इसको काटा, दोनों कट गए, फिर 3 से काटा, दोनों कट गए, कितना रह गया? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब आगे काटेंगे तो दोनों संख्या अलग अलग है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 3 9 9 इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सकती है तो वो होगी 9, और छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो सकती है वो 18। आगे देखिए क्या करना होता है दोस्तों, 18 को फिर 18 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1 आएगा, और फिर 18 को 9 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो आता है ना, ये जो आता है ये होता है टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क। ये इन्होंने इस टोटल वर्क को करने में कितना समय लिया? देखो, 18 दिन 18 टोटल वर्क है। अब 18 टोटल वर्क को इन्होंने 18 दिन में किया। और जो ये आता है, क्या आता है दोस्तों? इफिशियंसी। क्या आता है? इफिशियंसी, यानी कि इनका एक दिन का काम, एक दिन का काम आता है दोस्तों ये। अब एक दिन का काम एक है इनका, तो 18 दिन में कितना काम करेंगे? 18 करेंगे, यानी कि टोटल वर्क 18 है, 18 दिन में कर रहा, तभी तो एक दिन में एक काम किया इसने। अब ये करता है एक दिन में 2 काम, इसकी इफिशियंसी है एक दिन में 2 काम करना, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, 9 दिन लेता है और एक दिन में 2 काम करता है, तो अभी तो 9 2 18 काम कर दिए इसने, ठीक है। तो अभी देखिए इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों, ये एक दिन में एक काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। और पूछा क्या है, तब एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों उसी कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं? तो एक दिन में वो 3 कार्य करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो टोटल कार्य को इसके नीचे रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 6, यानी कि 1/6 जो कार्य है ना दोस्तों, वो दोनों मिलकर एक दिन में पूरा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता था दोस्तों, कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो फिर क्या होता दोस्तों, एक दिन में 3 काम करते हैं, टोटल कार्य 18 था, फिर क्या करते हैं, 18 के अपॉन में 3 करते तो 6 दिन में वो दोनों मिलकर कार्य कर देते, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है ये बनता है दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि वो एक एक दिन कार्य करे, जैसे एक दिन तो ए कार्य करेगा, एक दिन बी कार्य करेगा, तब कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे पहले दिन ए कार्य करता है तो एक कार्य कर दिया उन्होंने, ठीक है, ए ने एक दिन में एक कार्य कर दिया। फिर बी कार्य करता है तो अगले दिन बी ने 2 कार्य कर दिए, यानी कि 2 दिन में वो कितना कार्य करते हैं? 3, ठीक है। तो अगले फिर 2 दिन में वो कितना कार्य करेंगे? फिर अगले 2 दिन में फिर वो 3 कार्य करेंगे,
फिर अगले 2 दिन में फिर 3 कार्य करेंगे, फिर अगले 2 दिन में 3 कार्य करेंगे, ऐसे करते करते 18 कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक दिन में जब 3 कार्य कर रहे थे तो 6 दिन लग रहे थे, अब 2 दिन में 3 कार्य कर रहे हैं तो 12 दिन लगेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनटों के अंतराल पर बजती है, ये तीनों 9 AM पर बजना प्रारंभ करती है, दोबारा वे किस समय एक साथ बजेंगी। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना होता है, 9, 12, 15, यानी कि 9, 12 और 15, यानी कि जो भी यहाँ पर टाइम दे उनका एलसीएम लेना होता है दोस्तों। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि एलसीएम और एचसीएफ। अब यहाँ से आप दोनों को समझ लेना, हमने क्या किया दोस्तों, पहले तो हम इसको इनको डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से जो इन तीनों को पूरा पूरा काट सकता है, और जो समय क्या होगा, अभाज्य या प्राइम होगा, यानी कि वो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 9 को और 15 को डिवाइड नहीं करने का, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब देखिए दोस्तों, क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट देगी, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ काट सकती है। तो दोस्तों जब कटना बंद हो जाए, मैंने क्या बोला, जब कटना बंद हो जाए आगे, ठीक है, या तो यहाँ पे प्राइम आ जाए नंबर्स, या फिर आगे कटना बंद हो जाए, ठीक है, कि हम यहाँ पे 3 में से 2 को ही काटेंगे, फिर ऐसा कोई ऑप्शन रह जाए, तो उस समय क्या होता है, आप वहाँ एक बार स्टॉप कीजिए, और स्टॉप करने के बाद जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर 1 और 2 जितने भी नंबर उनको मल्टीप्लाई करोगे ना जब आप, तो वो क्या होगा, वो एचसीएफ होता है। ठीक है, वो क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ। अब क्या है कि ये 3 है अकेला, तो यहाँ पे 3 HCF होगा इसका, ठीक है, हमें चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अब हम यहाँ पर क्या रखें कि ये तीनों डिवाइड हो जाए दोस्तों, अगर 3 रखेंगे तो ये नहीं डिवाइड होने के, 4 रखेंगे तो ये 2 रह जाएंगे, 5 रखेंगे तो, क्योंकि ये 2 तो आ गए प्राइम, अब ये रह गया 4 अकेला। अब इसको काट भी देंगे 2 से तो क्या होगा, फिर 2 2 दुना 4 ही आएगा, तो यहाँ पर रोक देते हैं और इनको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 60 को 3 से करेंगे तो 180। तो दोस्तों जब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जो आता है वो आता है आपका एलसीएम। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको छोटा सा, कि जैसे आपसे बोला कि भाई 24 और 40, इनको आप क्या करो, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए पहले तो 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, 12 और 20, फिर आप क्या करोगे, फिर 2 पे डिवाइड करोगे, फिर 6 और 10, फिर आप इनको 2 से डिवाइड कर सकते हो, फिर क्या होगा, 3 पे और 5 पे। अब देखिए आगे ये किसी पे कटेंगे क्या, क्योंकि यही प्राइम हो गए, जब कटना बंद हो जाते हैं तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 क्या होता है दोस्तों, इनका एलसीएम, इनका एचसीएफ होगा दोनों का। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऊंची से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सकती है, 8 से ऊपर कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी आपको जो इन दोनों को काट देगी दोस्तों। ठीक है, और जब ये कटना बंद हो गए, अब इनको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आएगा वो एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, जितना आएगा ना दोस्तों उससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी, वो एलसीएम होता है। अब देखिए क्या करना होता है दोस्तों, ये आ गया 180 इसका एलसीएम, यानी कि 180 मिनट, ठीक है, मिनटों में था तो 180 मिनट इनका एलसीएम आ गया। अब दोस्तों 180 मिनट में क्या होता है, 3 आवर्स होते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे आएंगे। बजना प्रारंभ किया था 9 AM पे, एक साथ फिर कब बजेगी, 3 घंटे के बाद, तो अब इसमें क्या जोड़ दो दोस्तों, 3 घंटे आप जोड़ दो, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 AM इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 AM पे फिर से 1 घंटे एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है, जब 5 और छात्र समूह से जुड़ते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, नए छात्रों की औसत आयु वर्षों में है। दोस्तों 10 छात्रों का समूह है और औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष, यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि हर एक जो छात्र होता है ना दोस्तों उसकी आयु मान लो 15 वर्ष है। अब हर एक की 15 वर्ष तो हो नहीं सकती, छात्र जो है वो कम के भी होंगे, आयु के ज़्यादा के भी होंगे, जैसे कोई 20 का है, कोई 12 का है, कोई 10 का है, कोई 22 का है, लेकिन उनकी औसत निकाल लेंगे तो औसत 15 वर्ष आता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 10 छात्र है ना जो,
अगर उनकी मल्टीप्लाई करें 15 से, उनकी औसत आयु से, तो उनका टोटल जो जोड़ बनता है वो बनता है 150, ठीक है। और जब 150 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 15 आएगा, यानी कि औसत आयु उनकी 15 है। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि उनका जोड़ जो है पूरी सभी के, अगर 10 के 10 बच्चों की आयु जोड़ें तो 150 बनेगा। किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, लेकिन जोड़ जो होगा 150 बनेगा। डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 15 उनकी औसत आयु ऐसे निकली, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि उनका जोड़ कितना, 150। जब पांच और छात्र समूह से जुड़ते हैं, तो जब पांच छात्र समूह से जुड़ जाएंगे दोस्तों कितने हो जाएंगे, 10 + 5 हो जाएंगे 15, ठीक है। तो औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 15 वर्ष थी औसत आयु, एक वर्ष बढ़ गई, यानी कि औसत आयु होगी दोस्तों 16। यहाँ पे +5 हुआ और औसत आयु कितनी बढ़ी, +1 से बढ़ गई दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें पता चलेगा कि अब जो 15 छात्र हो गया ना, उनकी जो टोटल आयु है वो कितनी है वो पता चलेगा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 10 से करेंगे 160, 16 को 5 से करेंगे तो 80, 0, 4 और 2, यानी कि 240 दोस्तों इनकी टोटल आयु आ गई। अब देखिए डिफरेंस कितने का हुआ, डिफरेंस हुआ दोस्तों 0 और 14 में से 5 के दोस्तों 9, यानी कि 9। अब क्या हुआ, 90 जो वर्ष है ना उनका डिफरेंस आता है। किसकी वजह से आया दोस्तों, ये इनकी वजह से आया, पाँच दो जो पांच नए छात्र आए थे इनकी वजह से आया डिफरेंस 90 वर्ष का। अब इसने पूछा कि नए छात्रों की औसत आयु, यानी कि जो नए पांच छात्र आए ना उनका टोटल सम है 90, जो 10 थे उनका टोटल सम था 150, और जो 15 हो गए उनका टोटल सम है 240। तो अब ये 5 कितना है, 5/90/5 करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, 18, यानी कि जो पाँच नए छात्र है ना उनका औसत कितना है, 18। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक संख्या दुगुनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना किया जाए तो यह संख्या 75 हो जाती है, वह संख्या क्या है। दोस्तों कोई संख्या है, मान लीजिए एक्स, संख्या दुगुनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है, उसको दुगुनी करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, यदि परिणाम को 3 गुणा किया जाए, जो आया उसको फिर 3 गुणा कर दिया, यह संख्या 75 हो जाती है, 75 हो जाती है। तो दोस्तों पूछा है कि वह संख्या क्या है। अब देखिए जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 3 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से 3 को ख़त्म कर देंगे तो यहाँ से कटेगा तो 25 आएगा दोस्तों। अब ये 2x + 9 है, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 2x = कितना आएगा, 25 - 9, ठीक है, कितना आएगा 4, ये आ जाएगा 16। तो x को जब इधर छोड़ देंगे तो 2 को साइड लेके जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, तो 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8 आ जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 8 आता है, यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, वह संख्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि उनके अंकों का गुणनफल आता है 8। अब देखिए 8 * 8 = 8 आता है, 4 * 2 = 8, 4 * 2 = 8, 8 * 8 सबका 8 आता है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब देखिए इनमें 18 जोड़ो आप, क्या अंक पलट रहे हैं, इसमें 18 जोड़ो नहीं अंक पलट रहे, इसमें 18 जोड़ो नहीं अंक पलट रहे, इसमें 18 जोड़ोगे तो आप के अंक पलट जाएंगे और ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो 24 में 18 जोड़ने से 42 हो रहा है ना, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नल ए और बी एक टैंक को 5 घंटे और 6 घंटे में भरता है, नल सी 12 घंटे में खाली करता है, यदि सभी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों जैसे ए और बी जो है नल, एक 5 घंटे में भरता है और एक 6 घंटे में भरता है, ठीक है, और सी जो है वो 12 घंटे में खाली कर देता है। तो दोस्तों ऐसे तीनों को एक साथ लिख लेना, टाइम एंड वर्क के जैसे क्वेश्चन होता है ना ऐसे ये भी क्वेश्चन होगा। अब इनका हमने एलसीएम लेना है, तो 12, 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो 5, 6 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 5 तो देखो पहले ही प्राइम है, इनको काटेंगे हम, कितने पे निकालेंगे, 2 पे, 2 3 = 6, 2 6 = 12, फिर हम 3 पे निकाल देंगे इनको, देखो 5, 1 और 2। अब इनकी क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 = 6, 6 5 = 30, 32 = 60, इनका एलसीएम आ गया दोस्तों 60। यानी कि ये क्या है, टंकी की पूरी मात्रा जो भरनी है, टाइम एंड वर्क में ये टोटल वर्क होता है और यहाँ पर ये टंकी की पूरी मात्रा आती है जितनी भरनी है, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा,
और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 12 × 5 = 60। और अब ये क्या आता है दोस्तों, 1 घंटे में ये टंकी अब कितना भरता है, 12। अब ये 1 घंटे में बी भरता है 10, और ये 1 घंटे में 5 खाली करता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ये माइनस में होता है, इसकी एफिशिएंसी क्या होता है, माइनस में, क्योंकि ये तो खाली करने वाला है ना, तो खाली करेगा 12 घंटे में, तो -5 1 घंटे में, क्योंकि ये जल्दी भर देते हैं, ये लेट खाली करता है, यानी कि इसकी क्या है, एफिशिएंसी कम है खाली करने की। अब देखिए इसने बोला कि भी यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों एक साथ खोल लेंगे हम इनको, क्या होगा, ये तो 1 घंटे में 12 भाग भरेगा, ये 1 घंटे में 10 भाग भरेगा, और ये 1 घंटे में 5 भाग खाली करेगा, तो टोटल इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, 1 घंटे के अंदर 12 और 10 22, 22 में से 5 गए 17, तो यानी कि 1 घंटे में 17 भाग भरेंगे। अब देखिए 1 घंटे में यदि 17 भाग भरना है तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, फिर 60/17, ठीक है, 60/17 करेंगे तो ये राइट आंसर होगा, कैसे होगा दोस्तों, 60 को हम डिवाइड करेंगे 17 से, 17 × 3 = 51, अब यहाँ आ जाएगा 9। अब दोस्तों जब ये आता है इनको कैसे लिखते हैं हम, 17 है जो, 17 तो नीचे ही था, तो 17 तो नीचे का नीचे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जो जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं, और दोस्तों जो ये होता है ना, ये इसको ऐसे लिखेंगे, तो 3 से 9/17, तो 3 से 9/17 कहाँ पे है, ये दोस्तों यहाँ पे लिखने में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, लेकिन ये जो है ना, ये ऑप्शन 3 से 9/17 ऐसे लिखना था, तो राइट आंसर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम श्याम से 2 गुना बड़ा है, यदि 10 वर्ष पूर्व राम श्याम से 4 गुना बड़ा रहा हो तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखिए आप ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसने कहा कि वर्तमान आयु पूछी है, तो मान लीजिए वर्तमान आयु किसी की भी, राम की हम लगा लेते हैं कि वर्तमान आयु दोस्तों 12 है, ठीक है, तो राम की अगर वर्तमान आयु 12 है तो श्याम की, श्याम 2 गुना बड़ा यानी कि उसकी 24 हो जाएगी। फिर कहा यदि 10 वर्ष पूर्व राम श्याम से 4 गुना, 10 वर्ष पहले ये कितना का होगा दोस्तों, 2 का होगा, ठीक है, और ये 10 वर्ष पहले कितने का होगा, 14 का होगा, क्या 4 गुना बड़ा है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, 15 को रख लेते हैं, मान लीजिए ये 15 का है तो ये कितना होगा, 15 × 30 का होगा दोस्तों, 10 वर्ष पहले ये 5 का था और 10 वर्ष पहले ये दोस्तों 20 का था, तो इसको मल्टीप्लाई करने का 4 गुना आता है ना, तो दोस्तों कंडीशन दोनों ठीक होगी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग याद कीजिए। 80 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, जो जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जितनी भी संख्या जाती है वो प्राकृतिक संख्या, इनमें अगर 0 को भी शामिल कर लेंगे तो 0, 1, 2, 3 ये क्या होती है, पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या दोस्तों, ठीक है। अगर -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे इधर भी और इधर भी पूरी संख्याएं जाएंगी तो इनको बोलते हैं पूर्णांक या इंटीजर, यानी कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी सारे इंटीजर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 80 प्राकृत संख्या, अगर पूछे कि 80 प्राकृत संख्या, ये नहीं पूछे कि कितने से या कितने तक, तो मानना है कि 1 से शुरू होकर 80 प्राकृत संख्या, यानी कि 1 से 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपको 1 से लेकर कितनी भी प्राकृत संख्या का योग पूछे तो उनका सीधा सा फार्मूला तो आपने ये लगाना है कि n × n+1/2, यानी कि 80 × 80+1/2, यहाँ से काटेंगे तो 40 आएगा, और 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे 81 के साथ, ठीक है, तो कितना आएगा, 4 × 1 = 4, 8 × 4 = 32, 3240, 3240 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। इनको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, वो कहीं भी लगा लेना, ज़्यादातर यानी कि 99% वो अप्लाई हो जाएगा। कैसे कि जैसे आपको पूछे कि भाई 2 से लेकर 10 तक का, या कितने से भी लेकर कितने तक का भी पूछे, और उनके बीच में कितना भी डिफरेंस हो, तो वहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो होनी चाहिए सीरीज में, कटमा नहीं होनी चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए, 3 का डिफरेंस हो 3 का ही होगा, 10 का होगा तो 10 का होगा, 5 का होगा तो 5 का ही होगा, डिफरेंस होना चाहिए, एपी में सीरीज होनी चाहिए यानी कि, ठीक है। तो उनका क्या फॉर्मूला होगा कि जैसे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अपॉन में 2, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में
उनका डिफरेंस, ठीक है, और फिर प्लस में वन करना है दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूला कहीं भी लगाना आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहीं लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे पहली संख्या है 1 प्लस लास्ट नंबर है 80 बटे 2 करते हैं, इनटू में लास्ट नंबर है 80 माइनस फर्स्ट नंबर 1 है, डिफरेंस 1 का है, प्लस 1 करते हैं। तो 80 और 1 81 बटे 2 गुणा में 80 में से 1 गए 79 अपॉन 1 79 प्लस 1 80, ठीक है। तो जो दोस्तों ये क्या था जो हमने यहाँ पर लिखा है, वही तो चीज़ है। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस भी हो कितना भी, जैसे पूछ ले कि 3, 6, 9, 12 और पूछ ले 99 तक का, यहाँ पे इनका जोड़ कितना होगा, तो इस फॉर्मूले से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुल धनराशि को दो व्यक्तियों के बीच में 3:5 के अनुपात में बांटा गया है। अगर एक व्यक्ति की हिस्सेदारी दूसरे की तुलना में 20 रुपये कम है तो कुल राशि कितनी है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शन से करते हैं हम। ऑप्शन से कैसे करेंगे, सबसे पहले दो जिस अनुपात में बांटा उस अनुपात को जोड़िए आप, 5 और 3 8, कितना होता है 8। अब यहाँ से देखो 8 से कौन डिवाइड होगा, पूरा पूरा 8 से हो जाएगा दोस्तों 80, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 8 को, जैसे 80 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 80 बटे 8 कितना आएगा, 10। अब दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इस अनुपात में बांटना है, तो 10 * 30, एक को मिलेंगे 30 रुपये, और 10 में से 50, एक को मिलेंगे 50 रुपये। अब देखो इसने बोला है दूसरी कंडीशन कि दूसरे तुलना में एक व्यक्ति की हिस्सेदारी दूसरे की तुलना में 20 रुपये कम है। अब देखिए डिस्टेंस कितना, डिफरेंस कितना दोस्तों 20 का है। अब डिफरेंस 20 का आ रहा है तो यार राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर डिफरेंस 20 का नहीं होता फिर हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 + 6 * 2 - 9, 3 + 7 * 3 - 9। बॉडी मास का रूल अगर आपको पता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं कई बार गलती हो जाती है प्लस माइनस में, तो इसलिए इनकी भी प्रैक्टिस आप कर लेना। सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का। तो क्या करते हैं देखो, प्लस इंटू और माइनस, तो सबसे पहले आप करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो 8 + 6 * 12 - 9 अपॉन में 3 + 7 * 3 = 21 - 9। अब जब माइनस और प्लस रह जाते हैं तो पहले हम करते हैं प्लस फिर करते हैं माइनस, तो देखिए 12 और 8 दोस्तों 20 हो जाएगा, -9, 21 और 3 24 हो जाएगा, -9, 20 में से 9 गए 11 और 24 में से दोस्तों 9 गए तो 15। तो आंसर क्या है, 11 बटे 15, ए राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बोर्ड मास यानी कि पहले ब्रैकेट खोलते हैं, फिर ऑफ यानी कि का खोलते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है? दोस्तों क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, अब देखिए जिसका 200% 90 है यानी कि कोई संख्या है और फिर उसका 80% बताना है, तो यानी कि पहले तो वो संख्या निकाल लेंगे जिसका 200% 90 है। अब हम मान लेते हैं कि कोई संख्या एक्स है जिसका 200% 90 है, तो एक्स का 200% क्या होगा, 200 और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में 100। अब इसने बोला है कि ये 90 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 कट गई। अब ये मल्टीप्लाई में जो 2 है ना, जब इसको इक्वल टू का निशान से इधर लेके जाएंगे तो कूद के क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 90/2 हो जाएगा, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, 45, ठीक है दोस्तों। यानी कि वो संख्या जो आई वो है 45। अब इस 45 का 80% बताना है, तो यानी कि 45 * 80/100, ठीक है। 0 से 0 गई, 5 पे 2 और 5 पे 9, अब 2 पे 4, यानी कि 9 * 4 = 36, तो राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, √32 + √48 / √8 + √12, इसका मान बताना है कितना होगा। दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो क्या करते हैं, देखिए √32 सबसे पहले हमें देखना है कि इसके क्या टुकड़े करें कि कोई इनमें से एक संख्या हमें टुकड़ों में से ऐसी मिल जाए जिसका स्क्वेयर रूट हो जाए, जिसका वर्गमूल हो जाए और वो बाहर निकल जाए। तो 32 में देखिए क्या है दोस्तों, 16 * 2 = 32 करेंगे जब हम, रूट में 16 * 2 कर देंगे तो क्या हुआ, 16 बाहर निकल सकता है। प्लस 48 में क्या करेंगे, 16 * 3 कर सकते हैं, तो 16 * 3 = 48, यहाँ से भी 16 बाहर आ सकता है। फिर 4 * 2 करेंगे 8 को, तो 4 बार आ सकता है, और 4 * 3 करेंगे
12 को तो 4 बार आ सकता है यहाँ से भी। अब 16 जब बार आएगा रूट से तो कितना होगा, देखिए जब मल्टीप्लाई होता है तभी बार आएगा, प्लस वगैरह में नहीं आता दोस्तों। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 16 बार आएगा तो 4√2, प्लस यहाँ से 16 बार आएगा तो 4√3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे 4 बार आएगा तो 2√2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 4 बार आएगा तो 2√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 4 है दोस्तों, यहाँ पे 2 2 है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2√2 + 2√3, और अपॉन में 2√2 + 2√3 पहले से ही है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 2 दूनी 4 4√2, और 2 2 4 4√3 वैसे का वैसे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये कट जाएगा, सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 2, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1000 लीटर का कितना प्रतिशत 15 लीटर होता है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे कि 15 लीटर पूछा है, 1000 लीटर का कितना प्रतिशत है, तो 15 लीटर को ऊपर लिखते हैं, जिसका पूछा है उसको नीचे लिखते हैं, इंटू में 100 करते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0 यहाँ से कट जाएगी, 5 पे 2 और 5 से 3। अब 3/2 क्या होता है, 1.5%, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 0.625, 0.072, 28.9, 0.0081, 0.025 गुणा 1.7 का मान बताना आपने कितना आएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, और जो 729 है दोस्तों वो 81 से कट सकता है, क्योंकि 9 पे भी कट सकता है, 81 से भी कट सकता है। यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ जहाँ होगी वो क्या कहाँ होगी, दशमलव के स्थानों में। तो दशमलव के स्थानों की गड़बड़ को दूर करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, कि जैसे 625 है ना, तो 625 की कितनी जीरो है, 3 दशमलव स्थान तक है, तो इसके नीचे लिख दो 1000, 729/1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 थी, मल्टीप्लाई 289 एक स्थान था, इंटू में 10। अब देखिए जो नीचे वाले हैं इनके दशमलव उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 81 है, इंटू में ऊपर 4 0 लगा दो, यहाँ पे 25 है दोस्तों, ऊपर क्या लगा दो, 1000 लगा दो, ठीक है। मल्टीप्लाई में 17 है, ऊपर 10 लगा दो। अब क्या होता है दोस्तों, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, 1000 से 1000 कट जाएगा, और 10,000 से 10,000 कट जाएगा। फिर 17 पे 289 पे 17, ठीक है, 25 पे 25, और 81 पे देखो 9 9 जा यहाँ पे कट जाएगा, और ये 81 पे कट जाएगा, फिर 9 पे कटोगे तो 9 पे कट जाएगा, ठीक है। अब 25 9 और 17 की जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में है, ये बिना पॉइंट के, तो राइट आंसर होगा ये, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे जैसे 0.625 है और यहाँ पे 0.025 है, 3 दशमलव स्थान है, यहाँ पे 3 दशमलव स्थान है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको 1000 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको डायरेक्ट काटते तो 25 ही आता, और इनके 3 दशमलव स्थान आपस में कट जाते। फिर क्या आता है, यहाँ पे 4 स्थान है, यहाँ पे 4 स्थान है, आप इसको काटते 9 पे, और यहाँ पे इसके 4 दशमलव स्थान खुद ब खुद कट जाते, यहाँ पे 1 स्थान, यहाँ पे 1 प्लेस, ठीक है, 1 प्लेस 2 1 प्लेस कट जाता दोस्तों। यहाँ पे आप 17 लिख सकते थे सीधा, और इनको आप मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2/3, 4/6 और 8/27 का लैस एप है, यानी कि लघुत्तम समाप वर्त्तय, लैस एप लिखना चाहिए था, ठीक है, निकालिए। अब देखिए लैस एप जब निकालते हैं किसी भी फ्रैक्शन का, या मैस एप निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं दोस्तों, यदि आपको दे दे कि x/y a/b और z/p का LCM या HCF निकाल लो, तो फार्मूला क्या लगता है दोस्तों, जब बोलेगा LCM निकाल लो, तो जो ऊपर वाले हैं उनका LCM और नीचे वालों का HCF निकालना है, ठीक है, और उसको अपॉन में रखना है, ठीक है। जब बोलेगा HCF निकाल लो, तो ऊपर वालों का HCF अपॉन में नीचे वालों का LCM, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कैसे होगा दोस्तों ये। अभी LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोस्तों इनका ऊपर वालों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 4 और 8 का एलसीएम कैसे लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 1 पे 2 पे 4 पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 2, तो इनका एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 2 2 जा 4 2 जा 8,
ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे 8 है ना, बड़ी संख्या है, 4 से भी कटती है 2 से भी कटती है, तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी। ठीक है, तो इनका एलसीएम आया 8, तो ऊपर रखेंगे 8 को, अपॉन में क्या रखेंगे, जो नीचे वाली संख्या है इनका एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों, 3 6 और 27 का एचसीएफ, 3 से डिवाइड करो, वन जा 2 जा 9 जा। अब आगे कोई ऐसी संख्या आगे जो 2 को और 9 को डिवाइड कर दे दोस्तों, नहीं है ना। अगर नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे जो बचता है फिर हम आगे नहीं जाएंगे, यही एचसीएफ होगा, तो अपॉन में 3 रख देंगे, तो 8/3 क्या होगा, 8/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है मान निकालिए, 1/64 है और उसकी पावर है 1/3, इसका मान निकालना है दोस्तों, कैसे निकालते हैं देखिए, 1/64 है दोस्तों और इसकी पावर कितनी है, 1/3। अब क्या करना होता है, देखो जो 64 है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4, यानी कि 4 × 4 16 × 64 होता है। अब यानी कि जैसे 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार, तो ये होता है 4 की पावर 3, और इसी को हम 64 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिख देंगे दोस्तों 1/4 की पावर 3, ठीक है, यानी कि 64 को क्या लिख देंगे, 1/4 की पावर 3, और इसके पूरे की पावर कितनी है दोस्तों, 1/3। फिर क्या होता है दोस्तों, जो 1/ होता है ना, 1 के अपॉन में 4 की पावर 3 है, यदि हम इसको 1 को हटाकर इसको पूरा ऊपर लेके जाएं तो इसकी जो पावर है ना वो माइनस में चली जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि चाल जो होती है ना उसकी यूनिट साइंस में पढ़ी हो तो मीटर पर सेकंड होती है, ऐसे मीटर पर सेकंड होती है ना, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड। तो ये माइनस का 1 क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको बटे से हटाना चाहते हैं तो माइनस में पावर लिख के हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि m/s। अब जैसे देखिए 1/4 की पावर 3 है, इसको हम बटे से हटाएं तो कैसे लिखेंगे, 4 की पावर -3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये 1/ में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब माइनस में पावर लिख देते हैं। तो ऊपर इसकी पावर कितनी है, 1/3 दोस्तों। ये जो पावर होती है ना, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इनमें मल्टीप्लाई का साइन आता है, ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद, 4 - 3 इसकी पावर है, मल्टीप्लाई 1/3 होता है, इसको काटेंगे तो कितने पर कटेगा दोस्तों, 1 पे। अब माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 4 की पावर -1, ठीक है। अब दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, a+b² - a-b² ये किसके बराबर आएगा वो बताना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज होती है कुछ, a+b a-b इनका होल स्क्वायर या होल क्यूब, तो वो आप एलजेब्रा के चैप्टर से किसी भी बुक से आप आसानी से उनको देख सकते हो, नेट से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर तो देखो स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगने हैं, बहुत ही आसान है, कैसे खोलते हैं इनको, a+b का होल स्क्वायर जब खुलता तो क्या आता है दोस्तों, a² + b² + 2ab, और निशान क्या है, माइनस का है दोस्तों, ठीक है। अब ब्रैकेट इनकी बंद ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद रखेंगे, तो a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। डिफरेंस क्या होता है, इसमें यहाँ पे प्लस आया था, इसमें यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो दोस्तों a का स्क्वायर होगा तो भी प्लस आएगा, और b का स्क्वायर होगा तो भी प्लस आएगा, लेकिन 2ab जब करते हैं तो माइनस आ जाएगा। फिर क्या होता है दोस्तों, a² + b² + 2ab- को इसको अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का a² - b² और ये -2 - प्लस हो जाएगा ab, ठीक है। तो क्या क्या कटेगा, a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, क्योंकि ये प्लस वाले हैं ये माइनस वाले कट जाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 = 4 और ab ऐसे का ऐसे, तो 4ab इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब दोस्तों कहीं आप में से क्या सोचोगे, जिनको मैथ आता है अच्छा खासा, तो वो सोचोगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैं सीरीज मैथ की अभी स्टार्ट की है तो इजी टू मॉडरेट चलेंगे, पहले सबसे इजी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हर बार मुश्किल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि सभी को ये क्वेश्चन आते हो। तो दोस्तों इजी टू मॉडरेट चलेंगे, सीरीज में आपके एग्जाम तक मैं जो सीरीज करवाऊंगा उनमें मैं हर प्रकार के क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। तो अब एलसीएम निकालना है दोस्तों हमें, तो 5 × 2 = 10 × 3 = 30, यहाँ पे लिखना है 30, फिर 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा दोस्तों 3, और 30 को डिवाइड करेंगे 15 से आएगा तो आएगा 2। ए तो लेता है 10 दिन और बी लेता है 15 दिन पूरे काम को करने में। जो एलसीएम आता है वो आता है दोस्तों टोटल वर्क, जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क आता है, और जो ये आता है दोस्तों ये इफिशियंसी होती है ए की, यानी कि ए का एक दिन का काम, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है, 3।
ये दोस्तों होता है बी का एक दिन का काम, कि बी एक दिन में कितना काम करता है। और इन दोनों को जोड़ेंगे जब 3 और 2 5, तब क्या आएगा दोस्तों, ए प्लस बी का एक दिन का काम। तो अब देखिए इसने पूछा कि आए वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। अब कार्य टोटल है दोस्तों 30, और वो दोनों एक दिन में मिलकर काम करते हैं 5, तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो 6 डेज, यानी कि 6 दिन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।